This conference will now be recorded. जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आपको आवाज भी आ रही होगी। गुड, चले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. जी बच्चों, कल तक के लेक्चर्स में से आपका कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टिल यस्टरडेज क्लास? चलें, लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, सब चुप करके बैठे हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। अच्छा जी बच्चों, जी एक क्वेश्चन है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल फैक्ट्री। इट बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर year 6 were 150,000 and budgeted direct labor hours were 50,000 hours. Actuals in year 6 were as follows: direct material cost, direct labor cost, fixed production overheads. ये आपके actuals हैं और actual 40,000 घंटे भी। There was no opening or closing inventory at the beginning or end of the year. The company uses absorption costing system and production overhead is absorbed using direct labor hour rate. और हमें जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। चलें, आपके नजदीक सबसे पहले क्या एंट्री होनी चाहिए है? जनरल एंट्रीज क्या होनी चाहिए है? जी बच्चों जल्दी बोले ना। डायरेक्ट मटेरियल और चलें मैं बताए देता हूं। आपकी जितने भी एक्चुअल खर्चे हैं वो आपने एक हिसाब से कैश, डेबिट, पेबल, क्रेडिट करने होते हैं। हमने कॉस्ट फ्लो समझा था। कॉस्ट फ्लो के अंदर हमने यहाँ पर समझा था मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट, पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट,
फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट और कैश पेबल वगैरह क्रेडिट अल्टीमेटली हो जाएगा नेट एंट्री अगर हम कर लें तो इसी को बेस बनाते हुए हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास कर देंगे कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट एक लाख 30,000 से, डायरेक्ट लेबर भी साथ ही खर्चा कर दें, पेरोल अकाउंट 1,60,000 डेबिट और FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,40,000, ये सारी चीजें डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। तीन लाख 4,30,000, 4,30,000 जी, ये सारा एक्चुअल है बेटा, 1,40,000 एक्चुअल है, एक्चुअल रिजल्ट्स। बजटेड तो 1.5 लाख थे, एस्टिमेटेड 1.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अब आपके ये वाले खर्चे ये दोनों चले जाएंगे अल्टीमेटली किसके अंदर, WIP के अंदर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। जी बेटा क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं। FOH एक्चुअल थे, बिल्कुल मैंने एक्चुअल ले ली है। सवाल में कैश की वैल्यू कहाँ है सर, कितने भी नहीं है, ये एक्चुअल डाटा का मतलब है कि या वो पे हुआ होगा अल्टीमेटली, पेड थ्रू कैश, पेड थ्रू पेएबल, तो अल्टीमेटली तो कैश पे करना ही है ना बेटा। आपका दिल करता है सेपरेट करने को, आप सेपरेट एंट्री कर लें। अगला सवाल का जवाब था क्या सेपरेट एंट्री नहीं करनी चाहिए थी इन तीनों की, तो आपका दिल कर रहा है अलग अलग एंट्री करने को, तो आप अलग अलग एंट्री कर ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे दिल करता है। मेरा मैंने टाइम सेव करना था, 3 दफा कैश या पेबल लिखने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक ही दफा लिख दिया कैश। सब डेबिट्स को प्लस किया तो कैश बन गया, सबको पेमेंट कर दी आपने। जी बिल्कुल ठीक है, ये तीनों तीनों एक्चुअल खर्चे थे, एक्चुअल खर्चों को हमने लिख दिया, अब हमने इन खर्चों को ट्रांसफर करना है WIP के अंदर, वो भी इकट्ठा करना चाहिए इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग कंट्रोल अकाउंट यूज होना है। जी 1,30,000 मैंने मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, मटेरियल ट्रांसफर, मटेरियल इश्यूड। दूसरी एंट्री WIP डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट 1,60,000 से, डायरेक्ट लेबर इशुड या यूज्ड इन WIP। अब जो आपका आता है FOH फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल तो मैंने लिख लिया हुआ है, ये सारे खर्चे क्या थे, एक्चुअल थे। अब जो WIP में चीज जानी होती है वो क्या मैं एक्चुअल लेकर जाता हूं या एब्जॉर्ब करता हूं, मैं क्या करता हूं, एब्जॉर्ब करता हूं। एंट्री तो उसकी वही यही होगी कि हम WIP डेबिट करेंगे और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे,
लेकिन ये है एफ ओ एच एब्जॉर्ब्ड टू डब्ल्यू आई पी, ठीक है, एफ ओ एच एब्जॉर्ब करने हैं। अब एफ ओ एच एब्जॉर्ब के लिए डिफरेंट बेसिस होती हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी यूजेस अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट बेसिस, लेबर आर्स की बेसिस के ऊपर वो अब्सॉर्ब करता है। और रिलेशन भी ये दिया हुआ है कि 1.5 लाख के खर्चे एस्टिमेट किए थे और लेबर आर एस्टिमेट किए थे 50,000। तो यहाँ पर हम एक रेट मालूम करेंगे जिसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसका फार्मूला होता है बच्चों बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, एक्टिविटी यूनिट भी हो सकती है, एक्टिविटी लेबर आर भी हो सकती है, एक्टिविटी मशीन आर भी हो सकती है। और भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेबर आर, मशीन आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर स्टैंड्स फॉर, एक रेट है पर यूनिट जो कि एब्जॉर्प्शन रेट है, इसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोल देते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये पर यूनिट पर आर, यहाँ पे पर लिखना बड़ा जरूरी चीज है, पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर। अब इस वक्त पर क्या है मेरा, पर लेबर आर है, पर आर बेसिस, जैसे क्वेश्चन में बताएगा हमने वैसे करना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी क्या बन जाएगी, ये एक्टिविटी मेरी आर्स की हो जाएगी। अब मुझे कहा गया था कि आपके खर्चे 1.5 लाख रुपया हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, आपके ये वाले खर्चे हैं, और मुझे कहा था कि आपके डायरेक्ट लेबर आर्स 50,000। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं है, 50,000 मेरे घंटे हो गए, तो मुझे एब्जॉर्ब करना है आर्ली बेसिस पर ₹3 पर आर। ठीक है बच्चों, अब मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा मेरे एक्चुअल में घंटे लगे कितने हैं। मेरे घंटे एक्चुअल में 40,000 घंटे लगे हैं। मैं कहूंगा अच्छा 40,000 घंटे लगे हैं, तो 40,000 घंटे जो कि एक्चुअल क्वांटिटी होती है, एक्चुअल आवर्स, जो सी भी एक्टिविटी है उसके हिसाब से होगा, एक्चुअल एक्टिविटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिक्स्ड एफ ओ एच एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला है एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर एक्टिविटी। इस वक्त हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल आर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, एक्चुअल आर ये बन जाएगी। एक्चुअल घंटे मेरे बच्चों आते हैं 40,000 घंटे इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ₹3 पर घंटा।
कितना आया जी, 1,20,000। ये रुपीज में आंसर आया, ये यूनिट्स में आंसर आया, ये किस में आंसर आया? वो कैसे? रुपीज में आंसर बताया गया 40,000 घंटे थे इनटू रुपीज 3 पर घंटा था, घंटा घंटे से कट गया, रुपीज में आंसर आ गया। क्वांटिटी इनटू रेट, सिंपल हमारा फार्मूला बहुत सारी जगहों पर यूज होना है, क्वांटिटी इनटू रेट। ठीक है, आगे जाके इसी फार्मूले ने एक चीज से दूसरी चीज भी बनानी है। यहां पर मैं क्वेश्चन से जरा हटने लगा हूं, यहां तक बात बताएं, समझ लग गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मेरे 1,20,000 आंसर आ चुका हुआ है जिसको मुझे यूटिलाइज करना है, लेकिन मैं यहां पर एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर मेकिंग वन यूनिट, अगर एक यूनिट मुझे बताना हो तो उसके लिए लगता है 4 hours पर यूनिट, 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में। कितने यूनिट्स बनाने में? 4 घंटे पर यूनिट बनाने। अब मेरे पास अगर यही सिचुएशन हो, मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 3 रुपए घंटा हो, क्या मैं यहां से एक वैल्यू बना सकता हूं, वैल्यू फॉर रुपी पर यूनिट चार घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, क्या मैंने सही लिखा? एक मिनट, चलो ये मुझे बनाना पड़ेगा यार, मारो गोली जरा। रिलेशन एक दो दो तीन रिलेशंस आगे जाके आ जाएंगे। मैंने एज्यूम खत्म कर दी है, बस कहानी खत्म कर दी है, क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं। वो वाली चीज बाद में अंडरस्टैंड कराऊंगा जब एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल यहां से आपको ये चीज सीख लेनी कि एक चीज से दूसरी चीज किस तरीके से वर्कआउट होती है। अल्टीमेटली रुपीज बच गए 1,20,000, तो मेरी एब्जॉर्ब 1,20,000 हो जाएंगे। एफओएच एब्जॉर्ब की समझ लग गई जी 1,20,000 की। WIP डेबिट, मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट, WIP डेबिट, पेरोल क्रेडिट, WIP डेबिट, FOH कंट्रोल क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर FOH एब्जॉर्ब्ड आएंगे। हमने यही सीखा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब है हम चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
अब आखिरी चीज आ जाती है अंडर ओवर एब्जॉर्ब की। अब आपने सोचकर बताना है ये अंडर एब्जॉर्ब है ओवर एब्जॉर्ब है। एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब, एक्चुअल थे 1,40,000 और एब्जॉर्ब किए हमने 1,20,000, तो 20,000 अंडर एब्जॉर्ब हुए। 20,000 से कम चीज प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनी है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमारी कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स को पूरा करने के लिए हम एंट्री बना देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, एक और रिलेशन मैं आपको बता दूं। मेरी एक्टिविटी जो मैंने एस्टीमेट की हुई थी 50,000 की, जब मेरी एक्टिविटी एक्चुअल में कम होगी तो डेफिनेटली अंडर एब्जॉर्ब होगा। अगर मेरी एक्टिविटी इस एस्टीमेटेड से ज्यादा होगी तो ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगी। If actual activity less than budgeted activity, result आएगा आपका under absorbed। On other hand, actual activity greater than budgeted होगा तो result आएगा over absorb। ठीक है बच्चों, ये 99.99% चांसेस यही है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने खर्चे ही बहुत ही अजीबो गरीब से एस्टीमेट किए हो और एक्टिविटी भी बहुत ही अजीबो गरीब से की हो। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं हम। हमने कॉस्ट डिटरमिनेशन सीखी हुई है ना बच्चों, जी बेटा। ये एक्चुअल एक्टिविटी है 40,000 घंटे और बजट थी 50,000 घंटे। बात क्लियर होगी? क्या हमने कॉस्ट डिटरमिनेशन सीखी हुई है? ठीक है, चलें
जावा एंटरप्राइजेस रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑन जनवरी 15, 2019 कंसिस्टिंग ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल ए बी सी डी, चार किस्म का क्या है ये मटेरियल है। द रेलिवेंट डाटा इज गिवन एज अंडर, नीचे दिया गया डाटा। इनवॉइस प्राइस है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और रिलेटिव वेट है 1500, 2500, 2000 और 1000। कहता है टोटल फ्रेट पेड ऑन कंसाइनमेंट 3,50,000, ऑफ विच 20% शैल बी रिफंडेबल। मींस हमसे रिलेटेड अगर इन्वेंटरी का पार्ट बनाना है तो वो कितने परसेंट हुआ, 80% हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो 3,50,000 का 80% कितना बनता है, 2,80,000। 2,80,000 को हिस्सा बनाना है आपको इन्वेंटरी का। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंटरी सिर्फ एक नहीं ली है, ट्रक के अंदर चार किस्म की आइटम्स थी, ए बी सी और डी, और ट्रक का किराया हमने 3,50,000 पे किया, लेकिन उसके अंदर जो हमें ट्रक वाले से इनवॉइस मिली उसमें से भी 20% हमें रिफंड हो जाना है। तुम्हारा नेट खर्चा जो है, जो ऐसी एसेट का पार्ट या इन्वेंटरी का पार्ट बनना चाहिए, वो 280 बनना चाहिए। अब ट्रक के अंदर चार किस्म की आइटम्स थी, ए बी सी और डी, इन चार में ये खर्चा बांटना है, किस तरीके से बांटा जाए। कहता है कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच मटेरियल इफ फ्रेट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस की बेसिस के ऊपर हम बांट दें तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, उसका तरीका कार बड़ा सिंपल सा है। आप कि ये चार चीजें हैं, ये इसकी इनवॉइस प्राइसेस भी अवेलेबल है, आपने फ्रेट ऐड करना है इसके अंदर। फ्रेट ऐड करेंगे तो पहले यहां पर टोटल लगाएं, 5,4,3,2, 5,4,9,9,3, 12 और 2, 14, 14 लाख। अब इसको इस रेशियो में बांटना है बच्चों, इस रेशियो में इनवॉइस प्राइस की रेशियो में बांटना है। तो अब रेशियो को यूज करने का तरीका कार ये है कि जो जितने सिफर इसके आ रहे हैं ना, कॉमन सिफर, उनको साइड पर लिखते हुए उड़ा लें। मींस इसकी रेशो 5 बन जाएगी, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2 और टोटल बन जाएगा 14। ये रेशो बन रही है, बात बताएं, ये समझ लग गई है रेशो कैसे बनाई है मैंने, 5, 4, 3, 2, 14। ठीक है, अब एक बड़ा आसान सा तरीका कार है कि मैं 2,80,000 को तकसीम 14 कर लूं तो मेरे पास एक हिस्से का वैल्यू आ जाएगी, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। जी बच्चों बताओ, एक हिस्से की वैल्यू क्या 20,000 बन रही है। ठीक है, अगर एक हिस्से की वैल्यू 20,000 बन रही है तो 5 हिस्सों की वैल्यू क्या बनेगी, 20,000 × 5, 1,00,000 रुपया, ये इसका फ्रेट बन जाएगा।
20,000 ज़रब 4, 80,000 इसका फ्रेट बन गया। 20,000 ज़रब 3, 60,000 इसका फ्रेट बन जाएगा। 20,000 ज़रब 2, 40,000 इसका फ्रेट बन जाएगा। तो फिर आप टोटल कर देंगे तो 6 लाख, 4 लाख 80,000, 3 लाख 60,000 और 2 लाख 40,000 आ जाएगी। जी एनी कंफ्यूजन? ये पार्ट का आपने सही कर ली। बाइफर्केशन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस वैल्यू। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है? केजीस के हिसाब से खर्चा बांट दो। अगर मुझे केजी के हिसाब से खर्चा बांटना है तो यही वाली रेशो वाला काम मुझे केजी के हिसाब से करना होगा। मेरे टोटल केजी कितने बनते हैं बेटा? 1500 जमा 2500 जमा 2000 जमा 1000। चार दो छह 7,000 केजी। मुझे 2,80,000 को बांटना है। अगर मैं 2,80,000 को 7,000 से तकसीम कर देता हूं तो मेरे पास 1 केजी का रेट आ जाएगा। फोर पर केजी या 40 पर केजी? पर केजी। तो 1500 केजी का कितना बनेगा? 60,000। 2500 केजी का 1 लाख। 2000 केजी का 80,000। 1000 केजी का 40,000। फिर मेरी वैल्यू 5,60, 5 लाख, 3,80,000, 2,40,000 बन जाएगी। सिर्फ सिर्फ बेस चेंज किया हमने अपनी वैल्यू करने की, कन्वर्ट किया हमने एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर। जी एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमारी वैल्यूएशन हमने देख लिया हुआ है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी हमने देखनी होती है। ये वाला अक्सर औकात क्वेश्चन ये थ्योरी का है, ये समटाइम्स पास पेपर में आ जाता होता है। पास पेपर में नजर नहीं आएगा लिखा हुआ आपको,
थ्योरी वाले क्वेश्चन जहां पर मिक्स कहीं पर भी किए जाते हैं वो वहीं पर ही लिख दिए जाते हैं। मतलब ये कि मैं थ्योरी वाले बुक के अंदर मैंने सेपरेट नहीं किए हुए कि ये वाले क्वेश्चन उठाऊं और प्योरली थ्योरी वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और आया है वेरिएंस वाले चैप्टर के साथ, तो ये वेरिएंस वाले चैप्टर के अंदर इसका पार्ट लिख दिया गया होगा। है क्या चीज? कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑर्डिनरली लोअर देन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देयरफॉर द इन्वेंट्रीज आर कैरिड एट देयर कॉस्ट, नॉर्मली लोअर होती है एनआरवी से। हाउ द कॉस्ट मे एक्सीड देन एनआरवी वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस, किन किन केसेस में हमारी वैल्यू डाउन हो सकती है, एनआरवी कम हो सकती है और कॉस्ट बढ़ सकती है। उसके 3 4 केसेस हैं कि इन्वेंट्री अगर आपकी डैमेज हो जाए या फिर ये ऑब्सोलीट पार्शली हो जाए या मुकम्मल तौर पर ऑब्सोलीट हो जाए। ऑब्सोलीट मीन्स पुराना हो गया, चीज बिल्कुल ठीक है लेकिन आउटडेटेड हो गई है। सेलिंग प्राइस डिक्लाइंड हो जाए, या फिर आखिरी चीज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या कॉस्ट टू सेल ये इंक्रीज हो जाए। क्योंकि हमारा एनआरवी का फार्मूला है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज से भाई आपने इस तरीके से याद करना है तो लहजा बात है डीपीएस। ठीक है, तरीके से बस याद कर लें, बहुत शॉर्टकट्स बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें हैं ही बहुत थोड़ी सी थ्योरेटिकली। चलें जरा गौर से देखें क्वेश्चन को और पढ़ें और सोचें कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए है। आप क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ें और सोचकर बताएं। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन पढ़ें, थोड़ा सा सोचकर बताएं किस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। एनआरवी कैलकुलेट करके कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। जी बेटा जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आसिफ बेटा, आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर क्वेश्चन हमें टेबल फॉर्म में गिवन हो तो क्या हमें सॉल्यूशन भी टेबल फॉर्म में देना बेटर रहेगा। बेटा बात यह है कि क्वेश्चन अगर डिपेंड करता है कि किस किस्म का क्वेश्चन है। अगर चीजें डाटा टेबल फॉर्म में दिया हो, जैसे कि ट्रायल बैलेंस होता है टेबल फॉर्म में मौजूद होता है, और हमें कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस बना देते हैं। अब बताएं, ऑन अदर हैंड आपको डेटा स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन कहा गया है, जैसे आपको मैंने कल परसों क्वेश्चन करवाया लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का, ये वाला आई थिंक सो, ये वाला था, कहां पर था, मार्का मार्जिन जिस दिन पढ़ाया था, यस ये वाला। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन उसका आंसर क्या है, टेबल फॉर्म में, क्योंकि बेहतर तौर पर हो क्या जैसे सकता है, ये टेबल फॉर्म में हो सकता है। ये तो आपका जजमेंट है कि आपको क्या चीज किस किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ठीक है, इट्स अ जजमेंटल इशू। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी है और एनआरवी भी है। ये बताएं, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा। इसका मतलब कि पिछले साल भी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कंपैरिजन किया गया होगा। तो अब यहां पर पहले, सबसे पहले आप अपने लिए हाईलाइटर आपके पास ही मौजूद होना चाहिए पेपर के अंदर, ताकि आप भी वो चीजें स्पीडिली कर सकें। 70 और 75 में से लोअर, इन दोनों के दरमियान में हम कर रहे हैं, 70 और 75 में से 70,000 मैंने ये चूज कर लेना, डी में एक 20 और एक 10 में से एक 10 चूज कर लूंगा, एक 80 और एक 80 में से एक 80 चूज कर लूंगा, 3 10 और 300 में से 300 चूज कर लूंगा। ये मेरी ओपनिंग स्टॉक होगा, ये मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वैल्यू, क्वांटिटी तो सेम ही रहनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है प्रोडक्शन की आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड भी आपके पास आ रहा है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो बेचने के ऊपर लगी है और वो भी वेरिएबल है, फिक्स को तो आप नहीं जज कर सकते, असल में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपको लेनी होती है। ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है, ये वेरिएबल वाली लेंगे आप। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, मार्केट से खरीदें तो उसकी कॉस्ट इतनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आ गई डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किधर है जी, ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें 300, 600, 800, 1500 शामिल हैं। क्या ये मेरा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मालूम करनी है आपको, क्या इसका फॉर्मेट तकरीबन सेम बन रहा है जो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया है, उसके अंदर भी दो हिस्से थे डैमेज और गुड यूनिट्स के। रफली सेम बन रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये अब आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है और खुद जज करना होता है। नॉर्मली एक टॉपिक का एक या दो फॉर्मेट्स तैयार हो जाते हैं आपके लिए, इसलिए ये कहना बेवकूफी है कि आप फॉर्मेट नहीं बना सकते सीएमए में। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी इसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं होता, हम टीचर भी यही कहते हैं इसके अंदर फॉर्मेट्स नहीं होते, लेकिन अपने लिए बनाने होते हैं, अपने आप को किसी फॉर्मेट के ऊपर लाना होता है। अब इसी क्वेश्चन को पता नहीं कितने तरीकों से किया जा सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में शुरू हो जाए आप, लेकिन बेस्ट है टेबुलर फॉर्म में, जैसे आपको एक चीज सिखाई थी, उसमें एक जगह पर सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। यहां पर एक चीज आती है यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स, इसका मतलब है ये क्या चीज आ गई, कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट का पार्ट आ गया। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इन यूज कहता है इसमें हमने वेटेड एवरेज यूज करना है, इसमें हमने फाइफो यूज करना है। आखिरी बात कहता है कंपनी एस्टीमेट्स दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय 10%, सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कितने 10% से। हमें स्टॉक मालूम करना है, ये बताएं ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है, ये हमने अपने ही साल में इनकर करनी है या अगले साल के पहले महीने में दूसरे महीने में इनकर कर रहे होंगे। अगले साल में इनकर होते हैं, बिल्कुल सही कहा, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे ही हम ये काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से सारी चीज जगहों पर एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिसंबर में एक चीज की प्राइस थी 1500, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नहीं बताई, लेकिन हमारे पास करंट ईयर की सेल प्राइस है, ये बताएं क्वेश्चन के अंदर सिर्फ करंट ईयर की सेल प्राइस है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस नहीं दी, क्या करेंगे। करंट ईयर की सेल प्राइस उसकी क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन कमिंग ईयर में एस्टिमेटेड सेल प्राइस का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे। करंट ईयर वाली ही ले लेंगे, रीजन उसकी ये है कि जितने में चीज सेल हो रही है तो अगले साल के स्टार्ट में भी उतने पे ही सेल होगी, अनलेस एंड अंटिल के प्राइसेस की चेंज उसने बताई हो क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को काइंडली उर्दू में अपने पास लिख लें। अगर एस्टिमेटेड सेल प्राइस ना दी हो, या इवन कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट वगैरह ना दिया हो, और करंट ईयर की वैल्यूज then estimated sale price equal to current year की sale price होगी।
आपके साथ ये एक फॉर्मेट डिस्कस किया था मैंने, मैंने कहा था ये ज्यादा आसान है अगर आपको पर यूनिट की वैल्यूज दी गई हो तो, पर यूनिट सेल वैल्यू, पर यूनिट कॉस्ट, अगर नहीं भी दी हुई तो वर्कआउट कर लो कर पर यूनिट को। जी बच्चों एक्स वाई जी लिमिटेड, अब आपको वर्कआउट करना है क्वेश्चन को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए आपको। मेरे नजदीक, मेरे नजदीक हर चीज, हर आइटम की वैल्यू मौजूद, तो क्या नाम है, हर आइटम के मार्क्स मौजूद होते हैं। आपको कहा गया है स्टॉक को वैल्यू करो, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि आपको टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी दी हुई है या आपको यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक और उसकी पर यूनिट सेल प्राइस और पर यूनिट कॉस्ट टू सेल वगैरह दी हुई है या कोई रिलेशन दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट देके वो पर यूनिट कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरी सजेशन फिर ये होती है कि हम क्या करें, पर यूनिट बेस पे चलें, हम यूनिट्स लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी लेने के बाद हम इस क्वांटिटी को साइड पर छोड़ देंगे। यहां पर आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड कॉस्ट टू सेल, दो अलग अलग ले लें, नो प्रॉब्लम, ये आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट अलग अलग ले लें, डी ई एफ के ऊपर चले जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और फिर आप एनआरवी पे आ जाएंगे। ठीक है, एनआरवी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी आप लोअर ले लेंगे। लोअर एक रेट है, इस रेट को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका प्लान होना चाहिए है। कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट आप सेपरेट कर सकते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ शायद यहाँ कहीं पे मैंने दिया हो किसी चीज के अंदर, लाइक दिस फॉर्मेट, अब एबीसी जो मर्जी ले ले बेटा। बात क्लियर होगी बच्चों, एबीसी जो मर्जी ले लें, लेकिन ये एबीसी लिखने से क्या होता है, आप ऑलरेडी मार्क्स कुछ गेन कर जाते हैं। क्या करते हैं आप एग्जामिनर को और अपने आप को एट स्टार्ट ही बता देते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से लेकर चलना है, मैं किस तरीके से कंपैरिजन कर रहा हूंगा। ले जी, अब हम इसके ऊपर इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने अब इसके अंदर कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू सेल अलग अलग लिख दिया, एनआरई में दो तीन चीजें माइनस हो जाएंगी और दोनों का करेंगे हम लोअर और आंसर ले लेंगे। ये बताएं के आपके यूनिट्स कितने हैं, क्या आपके यूनिट्स 5000 हैं, क्या उसमें से 300 यूनिट्स अलहदा हैं। तो इसका मतलब है जो ए आइटम है उसके दो हिस्से होंगे, ए गुड और दूसरा ए डैमेज्ड।
डैमेज 300 तो गुड 47 हो जाएगा और टोटल हमारे हो जाएंगे 5,000। फिर बी आइटम आएगी, उसका भी गुड और डैमेज आप कर देंगे। डैमेज बी के यूनिट्स 600 हैं, टोटल 10,000 हैं, तो 600 डैमेज, 10,000 में से 600 निकाल देंगे, 9,400 आपके हो जाएंगे और ये टोटल 10,000 हो जाएंगे। सी आइटम आ जाएगी, गुड डैमेज 800 डैमेज है, 15,000 टोटल डैमेज 800, 14,200 बैलेंसिंग, 15,000 टोटल हो जाएंगे। पंद्रह सौ डैमेज, टोटल 24,000, पंद्रह सौ डैमेज, 22,500 और 24,000। ये बच्चों क्या मेरी क्वांटिटी लिखी गई है? क्या क्वांटिटी लिखना कोई प्रॉब्लम थी? अब अगर आपने फॉर्मेट बनाया हो ना तो चीजों को बहुत इजीली आप कैटर कर सकते हो। अब अगली चीज है पेपर करने में आसान चीज क्या है? क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आसान आइटम कौन सी है, ये आपने देखना होता है। और जो सी चीज आपको सिमेट्री में मिल रही हो वो आपने सिमेट्री में लिख देनी होती है। अब अगर आपने फॉर्मेट बनाया हुआ ना तो आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली मिल रही होंगी। मसलन आपको क्या सेलिंग प्राइस तमाम आइटम्स की मिल रही है? जी बच्चों क्या तमाम आइटम्स की सेल प्राइस मिल रही है? क्या इस क्वेश्चन के अंदर गुड और डैमेज यूनिट्स की सेल प्राइस को अलग अलग बयान किया या उसने कहा कि मैं रिपेयर करूंगा और सही करके बेच दूंगा? बच्चों कोई जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था वैसे तो नहीं है कि हर एक चीज की सेपरेट सेल प्राइस भी बन रही हो। जस्ट कॉस्ट टू कंप्लीट का खर्चा करेगा और एक ही वैल्यू के ऊपर सेल कर देगा, तो मुझे ज्यादा जल्दी सेल प्राइस मिल रही है। कॉस्ट हो सकता है मुझे मालूम करनी पड़े, तो मैं क्या करूंगा, सेल प्राइस सब जगहों पे लिख दूंगा। सेल प्राइस पहले की कितनी है? 10 रुपए, 10, 12, 12 और 12.5, एक ही 10 एस्टिमेटेड सेल प्राइस 10 रुपए, इसकी 12, इसकी भी 12, इसकी 12.5। क्या मेरे पास डैमेज यूनिट्स की रिपेयर की कॉस्ट भी मौजूद है डायरेक्टली? 3, 2, 2.5 और 3.5, लेकिन ये सिर्फ डैमेज यूनिट्स के लिए है, कॉस्ट टू कंप्लीट में आ जाएगी। डैमेज यूनिट्स की 3 रुपए, 2 रुपए, 2.5, 3 रुपए, 2 रुपए, 2.5 एंड आखिरी में 3.5। आप चीजें ऊपर फार्मूलाज लिख दिए हैं, चीजें आपने पूरी लिख दी हैं कि आप वैल्यू तक किस तरीके से पहुंचेंगे। आपको मेन
चीज के मार्क्स मिल गए हैं, कॉन्सेप्ट के मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब सिर्फ सिर्फ हर आइटम की चीजों को खींच कर लाने के मार्क्स हैं। अब आप बताएं क्वेश्चन को देख के, कॉस्ट टू सेल में लिख लिया, चलो यार को मसला नहीं है। अब मैं ये लो, कॉस्ट टू कंप्लीट हो गया। अब पेपर में भी अगर ऐसा हो जाए ना, तो आपको भी यही काम करना चाहिए। अब सही हो गया, स्टूडेंट उल्टे काम करना शुरू कर देता है, हेडिंग चेंज करने की बजाय क्या कर देता है, वैल्यूज को काट काट के रखना शुरू कर देता है। तो मैंने सही कर दिया बेटा, मैंने कॉस्ट टू कंप्लीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक्सेल नहीं है, मैनुअल है बेटा जी, ये लिखा हुआ था, ये लो, ये लिखा हुआ था, ये लो, मैंने काट दिया, कॉस्ट टू कंप्लीट कर दिया। अब सही है, ये कॉस्ट टू कंप्लीट लिखा हुआ था, मैंने काट दिया, कॉस्ट टू सेल कर दिया। अब सही है, सो सिंपल। एक्सेल क्या मैनुअल भी हो जाएगा, आपने भी इसी तरीके से काम करना है। पेपर में एक चीज काट दी समझे वो गायब, उसको देखा भी नहीं जाना। एक्सेल में तो हो जाता है, मैं एक्सेल के ऊपर काम कर रहा हूं भला, मैं तो मैनुअल कर रहा हूं। अब आप सोचकर बताएं कि अब क्या चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज डायरेक्टली अवेलेबल है। जी कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल के खर्चे भी बड़ी जल्दी से आ सकते हैं, और कॉस्ट अब मैयर करनी है आपने। नींद बहुत तंग कर रही है, वो तो ठीक है, बड़ा ही अच्छा तरीका कर रहा है यार नींद का तो। हा, क्या बात कर रही है, नींद तंग कर रही है भाई। एक काम करें, जिसको जिस चीज को नींद तंग कर रही है ना, वो एक काम करे काइंडली, सारे जो है क्लास होती है ना फिजिकल, तो फिर तो बड़ा मजा आता है। हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, फिजिकल क्लास हो तो हम कहते हैं चलो भाई खड़े हो जाओ सारे, तो हम जिस चीज को नींद तंग आ रही है सारे खड़े हो जाओ शाबाश, ठीक है। बात अब मैं गो के आपके सामने नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन कम से कम आप मेरी बात तो मान सकते हैं। हाँ, स्टैंड अप देन सिट डाउन, देन स्टैंड अप देन सिट डाउन, 10 दफा करो, इंशाल्लाह नींद आए। भाई रात को जिसने अच्छी खासी इबादत की होगी उसको नींद आ रही होगी ना, हम जैसे नालायक बंदों को कहाँ आएगी, ठीक है। तो वो भाई ने बहुत ज्यादा इबादत की हुई है माशाल्लाह से, सारी सारी रात जागते रहे हैं वो। ठीक है, अब नींद खुल गई है, ठीक है। हुण तुसी मैनू दसना है प्यारे बच्चों, अब आपने बताना है व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए है। अभी तक तो मैं आसान 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 सी चीजें उठाकर क्या, असल में ना बच्चों आप पढ़ा नहीं रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हुए बस आपने स्क्रीन को देखना होता है,
आप साथ साथ लिखना शुरू करें, अपना माइंड साथ साथ एक्टिव रखेंगे तो फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, कैलकुलेटर आदमी हो तो नींद नहीं आती, ये आसिफ ने अच्छा कुलिया बताया। और बेटा रमजान में केड़े पॉपकॉर्न लेके बेचारा करे, आपकी मेहरबानी होगी, ऐसी बातें भी ना करें, मूवीज की तरह पॉपकॉर्न लेकर लेक्चर ले, हद हो गई है। हमारा रोजा है, कल का रोजा तो बड़ा आराम से गुजर गया, सो सो के गुजर गया, ठीक है, और आज का रोजा पढ़ के गुजारना है, और मैंने बोल के गुजारना है, आपने सिर्फ सिर्फ बोले बगैर गुजारना है, लेकिन पढ़ेंगे तो टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाएगा, 1.5 घंटे का तो पता भी नहीं चलना हमारी लेक्चर के अंदर। चले पॉपकॉर्न को छोड़े, पॉपकॉर्न की जान को छोड़े, अब आ जाए वापस। और सबकी नींद खुल गई, असल में भाई ने पॉपकॉर्न की बात इसलिए की थी कि सबकी नींद खुल जाए। जल्दी जल्दी करें, मैंने इसके इस क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर आपको दो जेंगो मैंगो किस्म के क्वेश्चन देने हैं, बहुत हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस। तो आप कहेंगे सर आपने आसान क्वेश्चन करवा दिया, हमें मुश्किल दे दिया। जल्दी करें, जल्दी 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 बच्चे, जल्दी, हरी अप हरी अप। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? अब आपने सोचना है क्या क्या कुछ हो गया हुआ है। अब अगर आपने फॉर्मेट बनाया हो ना, तो आपका फोकस अब पेंडिंग चीजों के ऊपर होता है, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट ना बनाया हो तो समझे आपसे क्वेश्चन टैकल ही नहीं होना है। आपको यही समझ नहीं लगनी कि आपने करना क्या है। अब आप बताएं आपकी पेंडिंग चीजें कौन सी रह गई हैं? एक आपकी पेंडिंग चीज रह गई है कॉस्ट टू सेल की, और दूसरी पेंडिंग चीज रह गई है कॉस्ट पर यूनिट की। तो ज्यादा आसान काम को मैंने कहा पहले करना है, कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल से रिलेटेड दो बातें की है उसने, कि आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे 10%, और ये डाटा दिया है हमें फॉर द ईयर का। इट मींस यहां पर करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, दिया गया सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 60,000 थी। आप पर यूनिट सेल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, जी बताएं। पर यूनिट मेरे पास तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इन टोटेलिटी है, रुपीस के अंदर डाटा है, पर यूनिट तो दी नहीं है, यू हैव टू वर्क इट आउट कैसे आएगी। बच्चों डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कोई ढूंढ के बताए ना बेटा, कोई वैल्यू बताए ना।
जी, जल्दी जल्दी। कैसे आया बेटा 14.04 मोहम्मद उमर, जरा ये बताइएगा टोटल यूनिट्स कौन से लिए हैं? अच्छा बेटा, मर्जी है आप लोगों की। वैसे बताएं कि क्या हमारी मुझे चाहिए क्या सेल प्राइस पर यूनिट? अगर मेरे पास रुपीस इन टोटल हो तो मुझे डिवाइड कौन से यूनिट से करना चाहिए? मुझे सेल यूनिट से करना चाहिए या प्रोड्यूस्ड यूनिट से करना चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी। क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू रुपीस टोटल। मुझे सेल्स यूनिट्स निकालने चाहिए बेटा, ठीक। सेल प्राइस जो टोटल है उसको डिवाइड करना चाहिए सेल्स यूनिट से। अगर आप ये समझ लेना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाए। आप कहें कि मुझे चाहिए सेल की वैल्यू और दूसरी चाहिए मुझे सेल्स के यूनिट्स। इसको मैं कहूंगा एक्स, इसको कहूंगा वाई और एक्स डिवाइड बाय वाई करूंगा तो मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। इज इट सो? क्या मैं ऐसी वर्किंग कर सकता हूं? जैसे मर्जी वर्किंग कर लें, वर्किंग करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। 5 मिनट रह गए, बस 1.5 घंटा गुजर भी गया, समझ से बाहर है। अच्छा बच्चों, फिर मैं अब आपको गाइड कर देता हूं। सेल यूनिट्स आप निकाल लेंगे इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स मौजूद है, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स मौजूद है, क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है, आपके पास सेल्स यूनिट्स निकल आएंगे। दूसरी चीज, अगली चीज आपको वर्कआउट करनी है कॉस्ट पर यूनिट। एक ने वेटेड एवरेज, दूसरे में फाइव। ये बताएं फाइफो में रेट कौन सा होगा? तो अब बेटा आप लोग यूज नहीं ना करते, लेक्चर वन वाला फार्मूला हो गया, यूज नहीं ना करते। मसला तो ये है, चीजें तो यूज होते रहनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या काम था? एंड पर कौन सी वैल्यू लगी होगी? क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू हिट करनी है? लेटेस्ट प्रोड्यूस्ड वन, लेटेस्ट रेट, आखिर का रेट। आखिर में कौन सी चीज होगी? प्रोड्यूस्ड होगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? प्रोड्यूस्ड होगी। एवको में ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड होगी। वही वाले जो पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में जो फार्मूला, जो लिंक, जो तरीका कार आपको सिखाया था वही लगना है।
फाइफो में आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है आपके पास और प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पास पर यूनिट का रेट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी, एंड पर वैल्यू लगनी, कॉस्ट जो मौजूद होगी। और एवको के अंदर वही वाला फार्मूला लेना है, एवको का फार्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन की कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस प्रोडक्शन की क्वांटिटी। उसके अंदर क्या लगना है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू का ख्याल रखना है, लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाली लेनी है। थोड़ा सा हिल गया है वो, आगे पीछे हो गया है, जो हाईलाइट किए थे ना मैंने चीजें वो आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी। सत्तर एक दस एक अस्सी तीन, आप क्या करेंगे, कॉस्ट लेंगे ओपनिंग की वैल्यू प्लस प्रोडक्शन की वैल्यू लेंगे, डिवाइड करेंगे आप अपने यूनिट्स और प्रोड्यूस्ड यूनिट्स से, प्रोड्यूस यूनिट्स ही आ गए। सेम थिंग, आप वैल्यू लेंगे ओपनिंग स्टॉक की, अब यहां पर 1,10,000 ये अब आपकी कॉस्ट है, पिछले साल के एंड पर ये थी ओपनिंग स्टॉक, ये था प्लस प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय ये यूनिट्स और ये यूनिट्स, ये करिएगा और रेट निकालिएगा और आंसर ले लीजिएगा। लेयर ऑफ कॉस्ट करेंगे फाइनल लॉयर और फिर वैल्यू, ये अब आपने निकालनी है वैल्यू। इसके अलावा आपने दो क्वेश्चन और भी करने की कोशिश करने हैं, प्रैक्टिस सेट 11 सुपीरियर एंटरप्राइजेस, प्रैक्टिस सेट 12 हमाद लिमिटेड, ये दो क्वेश्चन भी आपने इसके अलावा करने हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।